देश भर में प्याज की कीमतों में जो आग लगी है, क्या उसकी वजह राजनीतिक दलों और जमाखोरों के बीच की सांठगांठ है? ये सवाल खड़ा हुआ है बीजेपी सांसद और प्रवक्ता जीबीएल नरसिम्हा के उस बयान के बाद, जिसमें जीबीएल ने कहा कि बीजेपी तो अपना चुनावी चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ले लेती है, लेकिन विपक्षी दल अपना राजनीतिक चंदा प्याज और दाल के बॉन्ड से लेते हैं। इसी वजह से जब भी कोई चुनाव होता है, किसी ना किसी चीज के दामों में आग लग जाती है और चुनाव खत्म होने के बाद हालात समान होने लगते हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर राव ने राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। राव ने प्याज की बढ़ी कीमतों के मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार तो प्याज की कीमत कम करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन राज्य सरकारों से पूरा सहयोग नहीं मिलता। इसी वजह से प्याज के दाम लगातार बढ़े हुए हैं। अभी देश भर में प्याज की कीमतों में क्यों बढ़ोतरी हुई है, उसका कारण भी जीबीएल ने राजनीति को ही बता दिया। जीबीएल नरसिम्हा का कहना है कि इस सीजन में महाराष्ट्र की मंडियों में महज 20-30% ही प्याज पहुंचा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 70-80% कम है। इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में अंतर आ गया और प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही है। गौरतलब है कि इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में प्याज की कीमत में आग लगी हुई है। लोगों की आंखों में बढ़ी हुई कीमत की वजह से प्याज आंसू ला रहा है। हालात ये है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कह चुके हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, वहीं आम आदमी की थाली से प्याज गायब होता नजर आ रहा है।